And me. You are also good. Hi friends, welcome to my channel. So, कल रात को यहाँ पे light snow गिरा था और इसी का ये view है. Welcome to my channel. हाँ, today is Saturday और अभिरो बिल्कुल ठीक है आज. अभिरो, say good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yes. And Abhirup is feeling much, much better than yesterday, right? Yes. I'm me. You are also good? Yes. Okay. So, आज पहले ही मैंने अपने previous blog में बोला था कि हमारे यहाँ पे guest आएंगे. So, अभी उसी की lunch का preparation start हो गया है. So, जिन्होंने मेरा previous blog देखा था, उन्हें पहले ही पता चल गया है कि मैंने meal preparation करके रखा था. So, अभी उसे बनाना बाकी है. So, let's start. Bye-bye. So, अब मैं marinated goat meat को फ्रिज से बाहर निकाल ली हूँ और around 3 onions chop की हूँ. और पहले से meal plan करने से बहुत ही काम easy रहता है. So, it's quite easy. So, अभी मैं अपने जो पैन है उसको गरम करूंगी और अराउंड लाइक 4 स्पून उसमें ऑयल डालूंगी क्योंकि गोट मीट में ऑलरेडी उसमें ऑयल रहता है. ऑयल में जीरा, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और तेजपत्ता डालूंगी क्योंकि गोट मीट में थोड़ा गरम मसाला देना पड़ता है ज़्यादा से, तो इसका स्मेल लाइक अच्छा हो जाता है. तो अब मैं ऑयल में अराउंड 1/2 स्पून कश्मीरी मिर्च और थोड़ा अराउंड 1 टेबल स्पून शुगर डालूंगी क्योंकि इसे कलर बहुत ही अच्छा आता है. और अब ये ऑयल पूरा गर्म हो गया है सो मैं इसमें ऑनियंस ऐड कर रही हूँ और ऑनियंस को हमें टिल ब्राउन होने तक फ्राई करना है. सो अब ऑनियंस ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है और अब मैं जो मैरिनेटेड गोट मीट था उसे मैं ऐड कर रही हूँ और उसे अच्छी तरह फ्राई करते रहना है जब तक कि मसाला अच्छी तरह फ्राई ना हो जाए. सो अभी मैं गैस में और एक तेल गरम होने के लिए रखती हूँ, उसमें जीरा और इलायची डाल रही हूँ क्योंकि आज गेस्ट आने वाले हैं तो थोड़ा प्रोडक्टिव वे में काम करना पड़ेगा. इसीलिए अब मैं फिश करी बना रही हूँ और अब जब ऑयल गरम हो जाए तो उसमें मैं अराउंड ऑनियन चॉप्ड किया हुआ है उसे प्यूरी बना के अब डालने वाली हूँ. सो इधर ऑनियंस को भी हमें जब तक ऑनियंस ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें फ्राई करना है. सो आप इधर देख ही पा रहे हैं कि आज कितना प्रोडक्टिव वे पे काम चल रहा है. उधर एक तरफ मैं मटन बना रही हूँ और एक तरफ चिकन बन रहा है. सो चिकन की रेसिपी मैं कई बार शेयर की हूँ तो इस बार मैं शेयर नहीं कर रही हूँ. सो अब ये ऑनियन फ्राई हो रहा है और ये टिल ब्राउन तक फ्राई करना है. सो अब ये ऑनियन ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है. सो इसमें मैं अराउंड 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ और सो अब जिंजर गार्लिक को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मैं उसमें फिश करी मसाला ऐड करने वाली हूँ अराउंड 1 टेबल स्पून. और फिश करी मसाला बहुत ही स्मेल अच्छा आता है इसे डालने से, आप भी ऐड करके देखिए बहुत ही टेस्टी होता है. और अब मैं उसमें अराउंड 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च डालूंगी और इसमें अराउंड 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ क्योंकि हल्दी ऑलरेडी उसमें फिश में एडेड था तो ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ.
और अब मैं उसमें अराउंड 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है, फ्राई करते रहना है और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना है जब तक कि इसका जो मसाला का स्मेल है चला ना जाए। सो अराउंड 10 मिनट्स हमें फ्राई करना है इसे। सो अब मैं इसमें अराउंड 1 टोमेटो का प्यूरी बनाया है और अब इस प्यूरी को ऐड कर रही हूँ और इसे अराउंड 5 मिनट्स तक फ्राई करूँगी और जब फ्राई हो जाए तो अब मैं इसमें फ़िश ऐड कर रही हूँ, जो फ्राइड फ़िश मैंने कल फ्राई किया हुआ था। सो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा लाइक हाफ कप जैसा पानी डाल के इसे थोड़ा 5 मिनट्स के लिए गैस पे रखूँगी और इफ़ यू वांट ड्राई फिश करी देन इट इज़ ओके और अदरवाइज़ फॉर लाइक इफ़ यू वांट करी सो यू कैन ऐड मोर वाटर और इसे अराउंड 5 मिनट्स तक गैस पे रखेंगे। तो ये रहा, अब मेरा ये फिश करी रेडी हो गया है। सो अब मुझे मटन की तरफ जाना है, मटन भी ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। सो इसके लिए मैं अराउंड 2 कप पानी प्रेशर कुकर में डाली हूँ और उसे गर्म होने के लिए रखी हूँ और जो फ्राइड मटन था उसे उसमें एक एक करके डालूँगी। अब ऑलमोस्ट सारे मटन मैंने डाल दिए प्रेशर कुकर में और अब इसे अराउंड फुल लाइक फ्लेम में रख के इसे अराउंड 3-4 सीटी डाल के सिम में रख देना है अराउंड 15 मिनट्स के लिए और ये मटन भी तैयार हो गया। सो अब नेक्स्ट है तंदूरी चिकन के लिए। मैंने प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने ड्रमस्टिक को कैसे मैरिनेट किया है, इन केस अगर आप मिस कर गए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। और इसके लिए सो मैं ये ड्रमस्टिक्स को तंदूरी करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का जो प्लेट आता है वो ली हूँ और इसमें अराउंड 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ और उसे अच्छी तरह से ब्रश अप करना है और ताकि ये प्लेट में अच्छी तरह से ऑयल है वो लग जाए। सो इसके बाद मैं एक एक करके तंदूरी चिकन को एक एक करके डालूंगी उसमें। सो अब सारे चिकन मैंने डाल दिया है और मसाला भी ऊपर से लगा दे रही हूँ थोड़ा। सो अब मैं ओवन को ऑलरेडी प्री हीट करके रखी हूँ और इसे अराउंड 350 डिग्री फारेनहाइट में डाल के अराउंड 40 मिनट्स के लिए रख दूँगी और फिर पलट के फिर और एक बार रख दूँगी उसे। सो अब मेरा क्लीनिंग का सेशन चल रहा है, इधर अनिरुद्ध भी काफ़ी कुछ कर रहा है और लाइक कोई आता है तो साफ घर में रखना ही अच्छा लगता है। सो मैं अब घर भी साफ कर रही हूँ और इधर तब तक में बच्चे भी थोड़ा लाइक फन कर रहे खेल रहे हैं। सो यही चल रहा है। तो अब लास्टली मैं पूरियां छान रही हूँ और इसके बाद मेरा ऑलमोस्ट खाना सब कुछ तैयार हो जाएगा। सो इट्स ऑल डन।
सो ये रहा मेरा लाइक लंच के लिए टेबल रेडी हो गया है. मैंने मेरे तंदूरी चिकन बन के रेडी हो गए हैं और इसे मैंने थोड़ा फॉइल पेपर से रैप किया है और इधर चिकन भी रेडी हो गया है. ये रहा मटन करी और मैंने कुछ सैलड्स भी काटे हैं. ये रहा फिश करी मेरे और सब रेडी हो गया है. सो यहाँ पे मैंने कुछ प्लास्टिक्स के लाइक स्पून्स और कुछ प्लेट्स लाए हैं और ये मैंने मटर का राइस बनाया था, ये भी रेडी है गर्मा गर्म. सो ये मेरा घर भी क्लीन अप हो गया है और बच्चे भी बहुत ही मन से वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स का. सो इट्स ऑल क्लीन अप. सो हाय हाय अभी वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड का. इट्स अराउंड अभी 1 बजने जा रहा है और हम लोग वेट कर रहे हैं. अभी रुक के वेट कर रहे हैं ना. अभी रुक के वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड एंड इट इज आल्सो वेटिंग फॉर लुकी माय टीचर. वाओ. सो 1 o'clock बज गया है और वो लोग भी घर. सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. I'll see you in my next video. Bye bye. Bye. Say bye bye. Bye bye. So, जो कोई मुझे पहली बार देख रहे हैं, please subscribe my channel. If you like this video, then till then, bye bye. Say bye bye.